दोस्तों राजवंश सिंह मौली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का टॉपिक मैंने लिया है, हरिद्वार गंगा किनारे बैठा पंडित, ये क्यों लिया? ये मेरे दरअसल मेरी जिंदगी की घटना है। ये जब मेरे फादर साहब पूरे हुए तो उन्होंने मेरे को स्पेशल हदायत की थी कि मेरे जो अस्थियां हैं वो गंगा में ही डाली जाए। गहू का मसला लगा लो या कोई और लगा लो आप, मतलब मैं तो खुद इस चक्कर में पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन यह है कि पिताजी की चलो आखिरी इच्छा है तो उसको पूरी कर दी। तो हमने गंगा में, गंगा जी में अस्थियां डालने के लिए जब हम गए दिसंबर, ये 2006 की बात है, तो जब हम वहां यहाँ से घर से गए तो वहां पर गंगा जी में किनारे पहुंच गए। पहले तो पंडित ने ये सवाल किया जो बिल्कुल अच्छा नहीं था कि आप बहुत दिनों के बाद आए। बहुत दिनों के बाद आने का मतलब ये है पंडित जी ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई जी इनका जाता रहे और ये हर महीने, मतलब हर साल या जैसे भी ये जितनी जल्दी हो आते रहे। ये बात उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। दूसरे नंबर पर चलो ये बात को किसी तरीके से टाला गया, हालांकि ये तो विवाद वाले काम था, टाला गया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके फादर की जो खाना करना है, खाना मतलब उसकी रोटी करनी उनकी, तो कितनी देर के लिए करनी? मैंने कहा यार ये क्या बेहुदा सवाल है, जब वो दुनिया से चले गए तो रोटी कहाँ से खाएंगे? तो रोटी खाने का मतलब उनका जो भी डिपेंड था, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे आते हैं लोग यहाँ पर, एक साल के लिए रोटी करते हैं, दो साल के लिए करते हैं, फिर आपने बताना कि कैसी रोटी खाते हैं। तो मैं उनको जब पंडित जी को बताया कि मेरे पिताजी हर रोज शराब के साथ रोटी खाते थे, तो मैं उस तरीके की रोटी देना चाहता हूँ, तो पंडित जी मेरे को बोलने लगे कि आप यहाँ पर आए हो, आप मजाक करने से नहीं हटते। मैंने कहा भाई मैंने कोई मजाक नहीं किया, ये आप ही ने मेरे से सवाल पूछा, और यदि मैं ईमानदारी से उसका जवाब ना दूं तो फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता, आप तो जानी जानो, आप फिर पढ़ लेते कि ये कैसे हो सकता है, मतलब पिताजी खाते तो कुछ रहे और बताओ कुछ रहे। तो मैंने कहा जो खाते थे वही बताया मैंने कि भाई वो कभी भी वो अपनी जिंदगी में बोलते हैं कि मैं एक पैग या दो पैग लगा के रोटी खाता था परमानेंटली, मतलब होता। तो इस बात को लेके पंडित जी के साथ भी थोड़ा सा झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर लेने देने का वाला चक्कर हो गया कि इतना दो ये दो वो दो, मतलब कहने का मतलब है ये लोग इतने पखंडबाजी में हमें उलझा देते हैं, तो मतलब आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो खराब हो जाए। मेरा वहां पर जाके बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड खराब हुआ, हालांकि मेरे मौसाई साथ में थे, मेरे जीजा जी साथ में थे, मेरे बड़े भाई साहब साथ में थे, भाभी जी साथ में थे और भी साथ में थे, तो किसी तरीके से चलो मैं अपने आप को भी कंट्रोल किया भी चलो यार अब जो इन्होंने एक्सप्लेटेशन करनी है तो करनी है। तो मेरा मतलब ये जो अब जो मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं उनको ये नहीं कहता कि आप गंगा जी में जाना छोड़ दो, हरिद्वार में जाना छोड़ दो, लेकिन वहां का जो पखंडबाजी है उससे थोड़ा सा हमें दूर, मतलब दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो हमें अपने मुद्दों से भटका देते। वहां पर बैठ के कोई उनके साथ तू-तू-मैं-मैं हो जाती बात कुछ और हो जाता तो वो और पंगे वाली बात है। मैं तो ये कहता हूँ ये पखंडबाज है, जो जब वो आदमी प्राणी यहाँ से चला गया तो चला गया, उसने कहा रोटी कहाँ दो साल खानी है, कहाँ कैसे खानी है, ऐसा कोई काम नहीं। परंतु चलो हम एक मतलब फादर साहब की आखिरी जो इच्छा थी वो पूरी करने के लिए वहां पर मेरे को जाना पड़ा, चले गए। मैं हालांकि यदि मेरी बात मानते तो मैं तो कहता हूँ कहीं भी स्वच्छ पानी चल रहा है आप उसी में उनकी अस्थियां बहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साफ पानी हो और बिल्कुल अच्छा फ्लो में हो तो कहीं भी आप अस्थियां बहा दो, क्योंकि अस्थियां तो गंगा गई भी नहीं पता लगना और बाद में बाहर गई भी नहीं पता। सो मैं ये आज के लिए, आज का वीडियो जो ये है सिर्फ कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, क्योंकि वहां पर जाकर उनकी एक मतलब रियासत है समझो, तो जब हम जाके उनको उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई विवाद होने के चांसेस हो जाते हैं। सो इन बातों से बचना है, मैं तो चाहता हूँ पखंडबाज से ही बचना है, यदि पखंडबाज से बच सकते हो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि जितना लोग हम पखंड से दूर होंगे उतनी हमारी जिंदगी में तरक्की होती चली जाएगी, उतना हम बेस्ट सोचते चले जाएंगे, पॉजिटिव सोचते चले जाएंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे जितना पॉजिटिव करेंगे उसी तरीके से हमारे रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, माफी चाहता हूँ यदि किसी के भावना को ठेस पहुंची हो, लेकिन ये जरूर मेरे दिमाग में काफी दिन से आ रहा था, मैंने कहा चल यार एक बार अपनी बात रख के देखता हूँ पब्लिक की कचहरी में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, किस तरीके से, यदि कोई मेरी बात अच्छी ना लगे तो भी कमेंट बॉक्स में देना,
और यदि कोई अच्छी लगी हो इस बात में अच्छी लगे तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच, और जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक आप ध्यान रखें अपना और जितना हो सके पखंडवासी बच्चे। थैंक यू।